इंट्रोडक्शन ऑफ लोक भारती। ज्ञान संस्कार का सृजन जहाँ एक जगह पे होता है उसी का नाम है लोक भारती। राजकोट भावनगर रोड पे आया सणोसरा गांव और वहीं पे है लोक भारती यानी कि विद्या मंदिर लोक भारती। 160 एकड़ में फैला है ये लोक भारती। गांधी जी की जो सोच है सत्य और अहिंसा उसी के स्तंभ पर खड़ा है ये लोक भारती। 28 मई 1953 में नाना भाई भट्ट ने इसकी स्थापना की थी। काका साहेब कालेलकर के हाथों से इसकी ओपनिंग हुई थी। हाय गाइस, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है फैमिली एंजॉयमेंट। तो मेरे जो मामा मामी हैं वो इधर टीचर है लोक भारती में, उनका इधर हाउस है। तो अभी वेकेशन है तो अभी हम इधर आए। इधर बहुत मज़ा है, बहुत फ्रेश इधर एयर है, इधर ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। अभी इधर फैमिली टाइम है तो अभी शाम हुई इसलिए अभी वॉकिंग पे निकले। इधर बहुत अच्छा है ग्रीनरी सब कुछ। तो अभी इधर से लोक भारती शुरू हो गए तो अभी हम इधर घूमने वाले। इधर कुछ सारी एक्टिविटीज़ का है वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये सारी एक्टिविटीज़ का है तो अभी हम इधर घूमना है। इधर वॉकिंग के तो अभी इधर लोक भारती शुरू हुआ है तो अभी हम जस्ट इधर घूमेंगे और मैं आपको इधर पूरी जो लोक भारती है वो भी इधर आगे दिखाती हूँ। एक सौ साठ एकड़ में फैला है ये लोक भारती और जिसके 22 डिपार्टमेंट है। गांधी जी की जो सोच है सत्य और अहिंसा उसी के स्तंभ पर खड़ा है ये लोक भारती। तो इधर आप कौन आए तो इधर आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। इधर जो सारे इधर स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इधर बहुत अच्छा क्रिएटिव सारी करती है, चीज़ें बनाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया है। आई थिंक दैट यू शुड विजिट हियर वंस, इट्स वेरी नाइस। लोक भारती का ये साइंस सेंटर इधर बहुत, इधर कोई बाहर से नहीं बना रहे, इधर के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो ही बना रहे। ये जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हो ये गर्म पानी करने का है। इधर सब इधर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही बनाते हैं। मैंने अभी आपको अंदर दिखाया, सारे सो क्राफ्ट किए थे, 3D सब कुछ बना था, वो भी सब कुछ इधर के स्टूडेंट्स ने ही बना, बहुत अच्छा बना रहे। तो अभी इधर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इधर एक्चुअली इसको कहते हैं सोलर पैनल, कुछ बहुत अच्छा बना है स्टूडेंट्स ने। तो आप इधर आओ तो एक बार विजिट करना और अंदर बहुत जो क्राफ्ट हमने देखे वो भी सारे स्टूडेंट्स ने बनाए, बहुत अच्छा बनाते हैं। मुझे तो क्राफ्ट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ। हेलो, इधर सारे जो प्लांट सारे ऑर्गेनिक आइटम्स है वो इधर ग्रो किए, बहुत अच्छा किया। और इधर आप देख सकते हैं वो नर्सरी है छोटे बच्चों की, तो इसलिए इधर रखा है कि छोटे बच्चे वो पहले से ही जान जाए कि क्या सारे प्लांट्स होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो सब इधर जाने को मिल जाए। तो बहुत अच्छी और फ्रेश एयर भी बहुत इधर मिलती है। काका साहेब कालेलकर के हाथों से इसकी ओपनिंग हुई थी। यहाँ से ही लोकवन गेहूँ की शुरुआत हुई थी। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इधर लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। और इधर शाम को 7 बजे तो इधर प्रेयर्स भी होती है, तो आप उसमें विजिट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो इधर प्रेयर हॉल है और वो
ऊपर आप सारे देख रहे हैं टेबल स्टेयर, वो उधर लाइब्रेरी है, तो किसी स्टूडेंट्स को इधर पढ़ना है तो उधर आप इधर पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल है। जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इधर रीडिंग करना है क्योंकि इधर बहुत अच्छी जगह है, इधर कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है और इधर प्लांट्स और सब, इधर पानी का पॉट्स, इसलिए बच्चों को इधर मज़ा आएगा रीडिंग में, तो उनको रीडिंग का शौक है तो वो इधर आना चाहे तो अंदर रीडिंग कर सकते हैं। इधर स्पेस आपको फंक्शन करने तो इधर भी आप कर सकते हैं अगर आप इधर रहते हो तो। बहुत अच्छी जगह है ये। मेरे नाम शिवाली दवे, आपका नाम क्या? अरुण जायदव। ये शिक्षा संस्था है इसलिए जिसको बुनियादी नई तालीम में और गांधी विचार में जिसको श्रद्धा है, यदि उसको कोई अभ्यास करना है, देखना है, अनुभव लेना है तो गांधी विचार आज कितना और कैसा प्रस्तुत है वो जानने के लिए वो आ सकते हैं। वैसे ये हमारी संस्था कोई पब्लिक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। इधर बहुत हमें शांति मिली, बहुत इधर ट्रीज हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ तो ये क्या है कि पूरा परिसर जो है तो सफाई के लिए, फिर प्लांटेशन के लिए, सभी काम के लिए हम कोई यहाँ एम्प्लॉयज नहीं रखते हैं, सब कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को कोई न कोई जिम्मेवारी दी जाती है। तो यहाँ सफाई का काम है, ये पौधा लगाना है, उसको पानी पिलाना है, सब कुछ जो काम करना है वो सब स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि गांधी विचार में ये स्वावलंबन और अभी नई नई बात शुरू हुई है आत्मनिर्भरता की, तो ये सभी के पाठ इधर सिखाया जाता है सालों से। वो तो हमने इधर क्राफ्टिंग और साइंस सेंटर गए तो वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ना ऐसा क्राफ्टिंग में बहुत शौक है। मैं अभी ये वैकेशन था इसलिए घर पे भी मैं बहुत सारी वेस्ट आफ्टर बेस्ट थिंग्स बनाती हूँ, वॉल पीस वैसा सब कुछ। अच्छा। तो इसलिए मुझे तो वहाँ अंदर बहुत मज़ा है सब कुछ देखने के लिए, बहुत अच्छी जगह है वो तो साइंस सेंटर। अभी ये जो बुनियादी नई तालीम की शिक्षा है ना वो सर्वांगीण केलवनी की बात रखती है, तो यहाँ कला भवन भी है और गौशाला भी है और खेतीबाड़ी भी है, तो आपको गौशाला में भी काम करना है, खेतीबाड़ी में भी काम करना है और ड्राइंग सीखना है, नृत्य सीखना है, तो ये भी सुविधा है। तो हमारे जीवन में क्या है कि सभी शौक होने चाहिए, जीवन में हमें आनंद मिलना चाहिए, एक हमारा उत्पादक श्रम है और दूसरी बात जो है वो जीवन की प्रसन्नता है। इधर लाइब्रेरी है, इधर दूसरे लोग आते हैं उनको एंट्री मिलेगी, देखने को मिलेगा सब कुछ अंदर। हाँ मैंने आपको बताया ना कि क्या है कि यदि किसी को ये जो गांधी विचार आधारित नई तालीम की प्रणाली है उसको समझना सीखना है तो वो ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ हमारा गेस्ट हाउस भी बड़ा है और यहाँ एक भी दिन छुट्टियाँ नहीं होती है तो पूरा पूरा वर्ष खुला रहता है। तो किसी को भी इधर आना है तो वो हमारे नियामक साहब से पहले जानकारी देंगे, फिर उसकी तारीख तय होगी और जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो डिपार्टमेंट हम उसको दिखाते हैं। किसी को गौशाला में इंटरेस्ट है, किसी को खेतीबाड़ी में है, फिर आसपास के गांव में हमारा काम चलता है उसमें इंटरेस्ट है, फिर पानी संग्रह है और ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का है, जैसे आपने बताया वो क्राफ्टिंग का है, साइंस सेंटर का है, फिर बहुत बढ़िया कृषि विज्ञान केंद्र है। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं इसको पर्टिकुलर कोई ना कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको हम उसी ढंग से दिखाते हैं। सबकी तो अलग अलग चॉइस होती है। हाँ लेकिन यहाँ हमारे शिक्षा के उपरांत करीबन 20 ऐसे डिपार्टमेंट है अलग अलग, हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल काम करता है। तो जिसको जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा रुचि है
उसको सीखना है, देखना है, तो वो आ सकते हैं। और किसी को इधर आना है तो उसकी कुछ फिक्स टाइमिंग है और क्या? नहीं, वैसे क्या है कि मैंने बताया ना कि हमारी दिनचर्या सुबह में 5:30 बजे से शुरू होती है रात को 10 बजे तक, तो कोई भी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। मानो के उसको नाइट होल्ड करना है या इधर उसको खाने पीने की कोई सुविधा चाहिए, तो उसको पहले से थोड़ा नक्की कर लेना चाहिए, बाकी तो कभी भी आ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत कुछ इधर जाने को मिला आपसे कि क्या इसके टाइमिंग है और वैसा। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आनंद हुआ हमें भी। आप जैसे लोग बाहर से इधर आते हैं और ये देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है, तो आते रहिए, ठीक है? इधर आपको इधर एडमिशन लेना है बिहार से BTC, इधर बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं स्टडीज़ के, तो आपको इधर एडमिशन मिले तो इधर घूम सकते हैं, और आपको नहीं मिले और आप इधर एडमिशन के लिए ट्राई करो तभी आप इधर घूमने आ सकते हैं। इधर कुछ टीचिंग का भी है, स्टीचिंग का और ड्राइविंग का बहुत डिफरेंस है, तो आप इधर आना चाहते हैं घूमने के लिए तो भी आप इधर आ सकते हैं। और इधर कुछ ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल टाइम निकल के आना चाहिए, अगर आप इधर आसपास के गांव में आ रहे हो तो भी आप इधर आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो आप इधर राजकोट से भावनगर जाते हो तो भी आपको इधर बाई रोड ही आ जाएगा, मीन्स के बाई रोड नहीं आएगा, थोड़ा दूर होगा, इसलिए आप इधर आना चाहते हैं। इस वीडियो में आपने देखा आपको अच्छा लगा, आप विजिट करना चाहते हैं तो आप इधर विजिट कर सकते हैं। तो जे लोग पार्टी से ना जे पंचायत ना ये जगह तो हैंडलिंग करे छे थोड़ो एने होवे तमने मड़ावी से थोड़ी जानकारी एनी पासे थी आपने वे लेसु। तो मारू नाम शिवाली दवे छे, तमारू नाम? मोर नाम गिरीश भाई दवे। ती तो थोड़ो का आई सु मैनेजमेंट एने तमे करो जरा के जानकारी। हम तो लोक भारती ग्राम विद्यापीठ ट्रस्ट एना द्वारा આ પંચાયત રાજ તાલીમ કેન્દ્ર ચાલે છે। લોક ભારતીમાં મુખ્ય 3 હેતુ શિક્ષણ, સંશોધન અને વિસ્તરણ। આમ જોવો તો ગાંધી વિચારને વરેલી આ સંસ્થા છે અને કેળવણીકાર નાનાભાઈ ભટ્ટ જે ઋષિ પુરુષ જે ગણાય એણે નઈ તાલીમનો વિચાર એ ગાંધી વિચાર દ્વારા એને આ સંસ્થાનું સ્થાપના કરી। લોક ભારતીનો હેતુ એ મૂળ ગામડાના લોકો જે છે એ ગામડાના લોકો માટે શિક્ષણ, સંશોધન અને વિસ્તરણ એ 3 પ્રકારે કામ કરે છે। તો ગામડામાં ખાસ શું જોવા મળે તો કે ગામડામાં આપણે જો ગામડાને સદ્ધર કરવું હોય તો પહેલી વાત એ કે શિક્ષણ, પ્રાથમિક શિક્ષણ, પાયાનું શિક્ષણ જે ગણાય એના દ્વારા કારકિર્દી બનતી હોય। પાયાનું શિક્ષણ જો સરસ બને તો વિદ્યાર્થી વિકસે અને સમાજમાં પરિવર્તન આવે। એવી રીતે બીજું BA, એવી જ રીતે ગ્રામ કક્ષાએ ખેતી, ગોપાલન એ અગત્યના ગણાય, કારણ કે મોટાભાગની ખેતી એ ગામડામાં સમાયેલી છે, રોજગારીનો સ્ત્રોત એ ગામડામાં ખેડૂતોને મળે રહે એના માટે ખેતી અને એના વિદ્યાર્થીઓ જે BRS ગ્રામ વિદ્યા સ્નાતક એ બેચરલ ઓફ રૂરલ સ્ટડીનો જે અભ્યાસક્રમ છે એ અહીંયા ચાલે છે। એના દ્વારા એ વિદ્યાર્થીઓ જુદી જુદી મેથડમાંથી એ આગળ વધે છે, તો એ સ્નાતકનો અભ્યાસક્રમ ચાલે છે। એવી રીતે ગ્રામ વિદ્યાનું સ્નાતક, માસ્ટર ડિગ્રી જે કહેવાય, માસ્ટર ઓફ રૂરલ સ્ટડી, તો એ પણ અહીંયા ચાલે છે। તો મૂળ વાત એ કે સંસ્થાના સ્થાપકો એ ગામાભિમુખ કેળવણી સાથે ગામડાને કેવી રીતે વિકસાવવા, કેવી રીતે એને ગામડા માટે કામ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરવા એ માટે એનું શિક્ષણનું કામ એ અહીંયા ચાલે છે। એ રીતે તાલીમ કેન્દ્ર પણ અહીંયા સરસ કામ કરે છે અને 1963 આ પંચાયત રાજ તાલીમ કેન્દ્ર લોક ભારતી સમગ્ર કેમ્પસ 165 એકરનું છે, એમાં 22 કરતાં પણ વધારે વિભાગો એ અહીંયા કાર્યરત છે। અને મેં કીધું એમ કે દરેક વિભાગોનો હેતુ એ માત્ર ને માત્ર ગામડાઓ માટે, અને ખાસ કરીને બીજું એ કે અત્યારના પ્રવાહ પ્રમાણે જોઈએ તો પરિવર્તનની પણ જરૂર, તો અત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માત્ર ગામડામાં જ કામ કરે
એ જરૂરી નથી, પણ એનું મુખ એ ગામડા તરફ જવું જોઈએ. કોઈ અધિકારી બને પણ એનું મુખ એ ગામડા તરફ જવું જોઈએ, કે ભાઈ એ હંમેશા ગામડાનો વિચાર કરતો બને, એ હેતુ સાથે લોકમાંથી કામ કરે છે. પણ જ્યારે એ અહીંયા આવે છે ત્યારે એક તાલીમાર્થી તરીકેની ભૂમિકામાં ઘણું બધું શીખી અને સમજીને જાય છે. તલાટી મિત્રો પણ એ સ્વીકારે છે કે ભાઈ સરસ રીતે આપણે અહીંયા તાલીમ લઈએ, આ વાતાવરણમાં સેટ થઈએ અને આ ભાવાવરણમાં સેટ થઈ અને આપણે સમાજ પ્રત્યે આ રીતે કામ કરીએ, તો એ રીતે અહીંયા પણ એક ભૂમિકામાં કામ થઈ રહ્યું છે. સરસ બેટા, ખૂબ તમે પણ અહીંયા આવી અને લોક ભારતી સંસ્થાનું દર્શન કર્યું, લોક ભારતીનો સરસ સંદેશ લઈને જાઓ છો. અમે પણ એવી અપેક્ષા રાખી કે તમે આવો, આવી રીતે વારંવાર આવો અને લોક ભારતીને માણો, સમજો અને એનું વિસ્તરણકારી કરી સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇધર જો આપ પીછે દેખ રહી હૈ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ, તો ઇધર કોઈ આતા હૈ સ્ટે કરને કે લિયે હોસ્ટેલ મેં, તો ઉનકો ઇધર જો બાર કી સાફ સફાઈ હૈ વો બાય ઓન કરની હોતી હૈ, તો આપકો ઇધર આના ચાહતે હો તો ઇધર આ સકતે હૈ ઘૂમને કે લિયે ભી, ઓર આપકો ઇધર સ્ટે કરના હૈ હોસ્ટેલ મેં કિસી કો, તો વો ભી આપ ઇધર સ્ટે કર સકતે હૈ. યે બહોત બડા, હમ ચલતે ચલતે બહોત થક ગયે ઓર અભી યે બહોત ઘૂમ લિયા, સારી જગા ભી ઘૂમ લી હૈ. તો આપકો યે વિડિયો પસંદ હૈ તો હમારે ચેનલ કો લાઇક ઓર સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કીજિયે. ટિલ ટેક કેર એન્ડ બાય બાય, વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ વિડિયો.